हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे ओनर 9X में और सैमसंग गैलेक्सी M30S में। ओनर की डिस्प्ले है 6.59 इंच की और रेजोल्यूशन है 1080x340 पिक्सल और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। और सैमसंग की डिस्प्ले है 6.4 इंच की और इसका रेजोल्यूशन है 1080x340 पिक्सल और इसमें सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है। दोनों फोनों में रैम सेम है, 4GB और 6GB की है ओनर की। और सैमसंग में मेमोरी सेम है, 64GB 128GB की है। ओनर का प्रोसेसर है कनीर का है, 710F का है। CPU है 2.2GHz ऑक्टा कोर का और इसमें 12 नैनोमीटर का FinFET और इसका GPU है G52 है MP4 का। और सैमसंग का प्रोसेसर है एक्सिनोस का है 9611। CPU है 2.3GHz ऑक्टा कोर का और इसमें 10 नैनोमीटर का FinFET और इसका GPU है G72 है MP3 का। दोनों फोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, एंड्रॉइड है 9.0 Pie का। ओनर का बैक कैमरा ट्रिपल है, 48MP+, 8MP+, 2MP का है। और सैमसंग का बैक कैमरा ट्रिपल है, 48MP+, 8MP+, 5MP का है। दोनों फोनों का फ्रंट कैमरा सेम है, 16MP का है। कैमरा में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। ओनर की बैटरी है 4000mAh की और सैमसंग की बैटरी है 6000mAh की। दोनों में बैटरी टाइप्स नॉन अवेलेबल है, दोनों की बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, जो कि एक अच्छी बात है। सैमसंग में बैटरी अच्छी दी हुई है। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोनों में दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी दोनों में ही है और LED फ्लैश लाइट भी दोनों में दी हुई है। ओनर में एक सिम के साथ दूसरी सिम या फिर SD कार्ड डाल सकते हो, ट्रिपल सिम का ऑप्शन नहीं है। और सैमसंग में ट्रिपल सिम का ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों फोनों में कनेक्टिविटी 3G और 4G की है। ओनर में कलर है ब्लैक और ब्लू और वेट 196 ग्राम और सैमसंग में कलर है ब्लैक, ब्लू और वाइट और वेट 188 ग्राम। ओनर का चार्जर है 10 वाट का और सैमसंग का चार्जर है 15 वाट का। दोनों में टाइप सी का सपोर्ट है और दोनों में ही 3.5mm जैक है। दोनों फोन की वारंटी सेम है 1 साल की। ओनर का प्राइस है, एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 14000 के आसपास होने वाला है। और सैमसंग का प्राइस है 4GB और 64GB का 13999 रुपये और 6GB 128GB का प्राइस है 16999 रुपये। अगर इनके प्राइस घटेंगे या फिर बढ़ेंगे तो इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओनर का प्राइस क्या होगा तो लॉन्च के बाद पता चलेगा, तो आपको इसकी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहां पर जाकर एक बार देख लेना।